एस्ट्रो लवर्स शिमारू एस्ट्रो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन को क्लिक करें हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम है सचिन कुमार राय और मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। आज आपको बताऊंगा कॉम्पैटिबिलिटी, यानी कि अगर आपका कौन सा डेट ऑफ बर्थ है और कौन सा आपको नंबर किसके साथ सूट करेगा, आपका लाइफ पार्टनर है, ये कैसा आपको कॉम्बिनेशन कैसा सूट करेगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो हम शुरुआत करते हैं एक नंबर से। एक नंबर आपको पता होगा, एक नंबर का जो स्वभाव होता है उनमें एटीट्यूड बहुत होता है, उनमें एटीट्यूड होता है, एग्रेसिवनेस होता है, लीडरशिप क्वालिटी होती है, वो बॉन्ड लीडर होते हैं। अगर हम देखेंगे एक नंबर वाले, अगर हम सिंपल एक वर्ड में बोलें तो डोमिनेटिंग नेचर होता है एक नंबर वालों का। तो जिनका डोमिनेटिंग नेचर होता है वो दूसरों के साथ में एडजस्ट कैसे करते हैं वो आपको इसमें पता चलेगा। तो अगर हम लोग देखेंगे वन नंबर है, अगर हम वन को किंग की कैटेगरी में बोलते हैं कि भाई राजा है, ऑब्वियसली वन नंबर नेचुरली राजा होते हैं। तो वन नंबर का अगर हम देखते हैं, वन के साथ में वन का सुटेबिलिटी नहीं रहेगी, क्योंकि वन भी अगर हम डोमिनेटिंग नेचर है और दूसरा अगर नंबर वाला जिनका बर्थ डेट वन है उनके साथ में अगर होगा तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। वन के साथ में अगर हम लोग टू का देखेंगे तो जो दो जिनका डेट ऑफ बर्थ दो तारीख है तो उनको हम क्वीन यानी कि रानी बोलते हैं। तो वन और टू का कॉम्बिनेशन हम देखेंगे तो काफ़ी अच्छा माना जाता है। तीन नंबर जो है, तीन हम बोलते हैं गुरु यानी कि नॉलेज, नॉलेज का भंडार। तो जहाँ राजा और यहाँ तीन यानी गुरु यानी कि दोनों का कॉम्बिनेशन हम अच्छा माना जाएगा। वन और फोर का कॉम्बिनेशन अगर हम लोग देखेंगे तो वन और फोर का कॉम्बिनेशन भी अच्छी कैटेगरी में आ जाता है, बेस्ट की कैटेगरी में नहीं आता है, क्योंकि जो चार नंबर वाले होते हैं वो दमंग होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, बोल्ड होते हैं, रिस्क टेकर होते हैं। तो अगर हम कंपैटिबिलिटी के हिसाब से देखें तो ये ठीक कैटेगरी में आ जाता है, गुड की कैटेगरी में आ जाता है। उसके बाद में हम वन फाइव का देखें तो वन फाइव प्रिंस हम बोलते हैं उसको, राजकुमार, तो बिल्कुल फाइव नंबर बहुत अच्छा आ जाता है, हर किसी के साथ एडजस्ट हो जाते हैं, बेचारे गरीब होते हैं, मैनेज कर लेते हैं अपने आप को। तो वन और फाइव का कॉम्बिनेशन भी हम अच्छा मानेंगे। वन और सिक्स का अगर हम लोग देखेंगे तो ये दैत्य गुरु आ जाते हैं, मटेरियल वेल्थ आ जाता है। तो वन के साथ में अगर मटेरियल वेल्थ मिल जाती है तो क्या बात है। तो वन और सिक्स का कॉम्बिनेशन भी हम लोग अच्छी कैटेगरी में ही मानेंगे। वन और सेवन अगर हम देखेंगे, सेवन यानी कि केतु, केतु यानी कि जिसकी बॉडी नहीं है, यानी कि जो प्लेयर सबसे वीकेस्ट प्लैनेट है, तो अगर वन और सेवन का कॉम्बिनेशन देखेंगे तो ये एवरेज या बिलो एवरेज की कैटेगरी में आ जाता है। ऑल्दो सेवन का कुछ अपनी खुद की आइडेंटिटी नहीं है, वन की आइडेंटिटी के ऊपर चलेगा। उसके बाद में हम आ जाते हैं वन और एट। एट यानी कि शनि, यानी कि एक नंबर है सूर्य और आठ नंबर है शनि, दोनों का कोई कॉम्बिनेशन नहीं। अगर हम लोग देखेंगे सबसे वर्स्ट कैटेगरी या सबसे वर्स्ट नंबर अगर हम बोलेंगे तो ये वर्स्ट नंबर की कैटेगरी में आ जाता है, वन और एट का कोई कॉम्बिनेशन नहीं आता है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, जिनका डेट ऑफ बर्थ वन है और जिनका डेट ऑफ बर्थ एट है, आप एक बार फ्रेंड हो सकते हैं। वो फ्रेंड में भी आप, मुझे डाउट है, बेस्ट फ्रेंड तो नहीं हो सकते, फ्रेंड हो सकते हैं, पर आप लॉन्ग टर्म के रिलेशनशिप के लिए ये नंबर अच्छा नहीं माना जाता है। उसके बाद में हम आ जाते हैं नाइन पे, यानी वन और नाइन। नाइन को हम सेनापति बोलते हैं, एग्रेसिव होते हैं, बिल्कुल जो राजा बोलता है उनको फॉलो करते हैं। तो हम नाइन को हम बोलेंगे कि बेस्ट सूटेबल रहेगा वन के साथ में नाइन। तो अगर हम ओवरऑल वन से लेकर नाइन तक का अगर हम बेस्ट नंबर बोलेंगे जिसके साथ में अच्छा कॉम्बिनेशन जाता है, वो आ जाता है नाइन, फाइव और टू के साथ में वन का कॉम्बिनेशन अच्छा जाता है। आप देखिए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजी एक्सपर्ट्स। पूरे वीडियो देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड करें शिमारू एस्ट्रो ऐप, अमेजॉन फायर स्टिक पर डाउनलोड करें शिमारू एस्ट्रो ऐप, एयरटेल डीटीएच पे सब्सक्राइब करें एस्ट्रोवाणी चैनल, डिश टीवी और डीटूएच पे सब्सक्राइब करें ज्योतिष दुनिया चैनल।